नोबिता, अगर तुम इस कमरे में हो तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नोबिता, इतना सारा सामान क्यों फैला रखा है? क्या बात है, क्या हुआ मॉम? जल्दी से ये सारा सामान समेटो, किसी को चोट लग सकती है। मैं बाद में कर दूंगा मॉम। मैंने कहा सारा सामान अभी समेटो। कोई भी इन पर पैर रख सकता है और ये टूट सकते हैं। तुम्हें कैसा लगता अगर तुम भी इन चीजों की तरह होते तो? बताओ, तुम अपनी चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। आप भी ना मॉम, इन चीजों में भावनाएं नहीं होती हैं। मैंने कहा तुम इन चीजों का ध्यान रखोगे अभी से, वरना आज तुम्हें स्नैक्स नहीं मिलेंगे, समझ गए तुम? आप बहुत गुस्सा करती हैं, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है मॉम। मैं घर आ गया। ये क्या, तुमने अभी तक सफाई नहीं की नोबिता? चलो सफाई करते हैं। अरे तुम्हें हुआ क्या है? मॉम बोली मैं चीजों का ध्यान नहीं रखता हूँ, इसीलिए आज मुझे स्नैक्स नहीं मिलेंगे। देखो मॉम का गुस्सा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम्हें पता है इन कॉमिक्स और खिलौनों को इस तरह कितना बुरा लगता होगा? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है डोरेमोन? क्या तुम्हें नहीं पता इनमें भावनाएं नहीं होती हैं? तो ठीक है, मैं ये अभी साबित कर दूंगा। ऑब्जेक्ट फील। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि किसी चीज को कैसा लगता है तो उसका नाम इस कागज पर लिखो। फिर क्या करना है? और उसके बाद उस कागज को अपने सीने पर लगा लो, फिर तुम वही चीज बन जाओगे। ठीक है तो चलो। क्या सच में? तो आपको बहुत मुश्किल होती होगी ना जब आप शूटिंग करते हैं? मॉम हमेशा मुझे डांटती रहती हैं और कहती हैं मुझे सोचना चाहिए खिलौने कैसा महसूस करते हैं। जरा मुझे कुछ सोचने दो। क्या मैं वैक्यूम क्लीनर लिख दूं? हाँ? आपकी पिछली फिल्म तो सभी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। अच्छा, अपनी अगली मूवी के बारे में कुछ बताइए। मॉम तो सफाई कर रही है, इसका मतलब मैं एक वैक्यूम क्लीनर हूँ। अरे वाह, वैक्यूम क्लीनर को तो सब कुछ याद है जब मॉम सफाई कर रही थी। मॉम अपना काम कर रही है। अरे नहीं, लगता है मैंने फिर से कोई गड़बड़ कर दी। मॉम कितनी स्लो है। अरे जल्दी जल्दी करना चाहिए। आपका फिर से स्वागत है। अब हमारे अगले गेस्ट हैं फिल्म जगत की एक जानी मानी वैक्यूम क्लीनर का ध्यान नहीं रख रही है। अरे देखा, मैंने ये कागज हटाया और तुम पहले जैसे हो गए। मॉम कहाँ चली गई है? वो तो बाजार गई है। लेकिन उन्होंने अपना काम ठीक से किया या नहीं? वो भी बिल्कुल मेरे जैसी ही है। अच्छा तो क्या चाहिए तुम्हें? मैं थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ। सुनो, रुक जाओ नोबिता, ये मेरा हर गैजेट छीन कर ले जाता है। वैसे इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अरे ये आवाज कैसी? सुनियो, क्या तुम भी मेरे खिलौनों के साथ खेलना चाहोगे नोबिता? देखो कितने सारे हैं। तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं? वैसे भी मैं इन सबको फेंकने ही वाला था नोबिता। क्योंकि तुम इनसे बोर हो गए इसलिए इन सबको फेंक दोगे ना? क्या कहा तुमने? इन खिलौनों को तो बल्कि खुश होना चाहिए कि मैं इनके साथ खेला हूँ, समझे तुम? चलो ये ट्राई करते हैं, सुनियो। अरे मैं कहाँ पर हूँ? अरे मैं तो यहीं पर हूँ। तैयार हो जाओ। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। तुम्हें कैसा लगा सुनियो? मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। ये तो मजेदार गैजेट है, मैं इसे हमेशा की तरह शिजुका को दिखाऊंगा। हे नोबिता, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर मिलेंगे दोस्त, बाय। रुक जाओ। दरअसल मेरा ये माइक टूट गया है और मुझे एक नया गाना गाना है, क्या तुम डोरेमोन से कहकर इसे ठीक करवा दोगे? बोलो ना। तुम अगर मेरा ये काम करवा दिया तो मैं तुम्हें फ्रंट सीट पर बिठाऊंगा, समझे? अरे सुनो तो जियान। हाँ मेरे पास एक आइडिया है जियान। क्या हुआ नोबिता? मैं तो यहीं पर हूँ। अरे मैं तो माइक बन गया हूँ। चलो फिर, अब मुझे एक और बार गाने की प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। अरे कोई रोको, ये क्या हो रहा है, प्लीज रोको।
तो कैसा रहा? लगता है तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही नोबिता, मुझे घर जाना है। बहुत जल्दी पता चल गया। चलो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ठीक है? शिज़ुका प्लीज अंदर आ जाओ। तुम्हारा शुक्रिया शिज़ुका। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ, इंतजार करो। तो ठीक है, मैं शिज़ुका के रूम का कोई खिलौना बन जाता हूँ। हाँ मैं क्या बन सकता हूँ, मैं ये बन जाता हूँ। देखता हूँ शिज़ुका कैसे खेलती थी इसे। हो गया। अरे वाह, शिज़ुका कितनी छोटी है और कितनी प्यारी भी है। अरे लेकिन शिज़ुका मुझसे कब खेलेगी? अरे खरगोश, कितना प्यारा है ये। तुम्हारा शुक्रिया शिज़ुका। अरे ये क्या, इसका पैर अलग हो गया, मैं अभी ठीक करती हूँ। पता नहीं अब ये क्या करने वाली है। लाओ मैं सिलाई कर देती हूँ, इससे थोड़ा दर्द जरूर होगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। शिज़ुका तो बचपन में भी बहुत अच्छी थी। मैं आ गई। अरे नोबिता कहाँ गया, अभी तो यही था। हाँ ये मेरा खरगोश। अरे ये क्या, ये स्टिकर कैसा? अरे नोबिता ये क्या, तुम बताते क्यों नहीं हो, ये सब क्या था? कुछ भी तो नहीं, मुझे शिज़ुका को नहीं बताना चाहिए। अरे शिज़ुका तुम्हारा ये खिलौना तो बहुत पुराना है ना? हाँ जानते हो ये मेरे बचपन का खरगोश है, मेरा पहला खिलौना। हाँ? पता है इसका पैर बाहर निकल आया था। हुँ? और मैंने सिलाई की थी और तब से आज तक इसे मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये बहुत ही प्यारा है ना? तो इसका मतलब तुम्हारी इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होंगी शिज़ुका। जानते हो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कभी कभी मैं इससे बहुत सारी बातें भी करती हूँ। शुक्रिया शिज़ुका, अब मैं तुमसे फिर मिलूंगा। हाँ बाय बाय शिज़ुका। अरे रुको नोबिता, ये इस तरह अचानक क्यों चला गया? मैं भी जाकर अपने खिलौनों को संभाल कर रखता हूँ। मैं आ गया। बहुत ठीक समय पर आए हो। हाँ हेलो आंटी, आप कैसी हैं? ओह हेलो नोबिता, तुमसे मिले हुए तो बहुत साल हो गए हैं। हाँ तुम इन्हें भूल तो नहीं गए ना नोबिता? ये वही है जो बचपन में तुम्हारे साथ खेलती थी, याद आया? हाँ आंटी सदो, मेरा मतलब हिस्को सदो। तुम तो सचमुच बहुत बड़े हो गए हो नोबिता। ये लो। हाँ? तुमने मुझे ये तब दी थी जब मैं यहाँ से जा रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हिस्को। क्या तुम्हें ये खिलौना याद है, ये तुम्हारा सबसे पसंदीदा खिलौना था? मुझे याद नहीं आ रहा। आइडिया नोबिता, तुम आ गए, मेरा गैजेट मुझे वापस दो। मैं बाद में दे दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जियान और सुनियो दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह नोबिता। जियान सुनियो, ये मुझे कल मिली है। लाओ इसे मुझे दे दो नोबिता। नहीं। मैंने कहा दो। हाँ जल्दी दो उसे। मैंने कहा ना नहीं। रुक जाओ नोबिता, इसे दे दो। मुझे मत देना छोटे नोबिता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भागो। प्लीज कोई छोटे नोबिता की मदद करो, मैं घर आ गया। अरे नोबिता तुम आ गए, इतने गंदे कैसे हो गए तुम? मुझसे ये कार गिर गई थी मॉम। कोई बात नहीं, मैं इस कार को देख लेती हूँ। क्या ये टूट गई है? ये ठीक हो जाएगी। क्या सच में? मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगी। गुदगुदी हो रही है। आखिर इतनी देर से तुम ये क्या कर रही हो? अरे भाई मुझे भी तो बताओ। ये नोबिता का खिलौना है और मैंने नोबिता से एक वादा किया है। क्या वादा किया है? कि मैं इसे ठीक कर दूंगी और मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर भी नोबिता इसी तरह करे। अरे वो करेगा, वो आखिर में हमारा बेटा ही तो है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नोबिता डोरेमोन खड़े मत रहो और मेरी मदद करो प्लीज। हाँ हाँ मैं जरूर करूँगा। वाह एक साफ कमरा कितना अच्छा लगता है ना। आपका शुक्रिया मॉम।